आपको दिखाने वाला हूँ एप्पल के एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन, वो भी कस्टमाइजेशन वाले। आप देख सकते हो ये जो इस पर हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। और इसमें हमें जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अलग मिलता है। जो एयरपोर्ट प्रो वाला वो उस टाइप का हमें थोड़ा केस मिलता है, और ये भी अपने जो है छोटे मिलते हैं। तो अगर इसकी यार बात करें ना डिज़ाइन की, तो काफ़ी इसका अच्छा डिज़ाइन बनाया इन्होंने, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बना दिया। बाकी हम कुछ भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इसकी एक अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, और इसका आपको एक बढ़िया सा अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये जिसको हमने एप्पल की जो ऑफिशियल साइट है उसी से हमने इसको ऑर्डर करा था, उसके बाद हमें ये दो दिन में मिल गया था। तो बॉक्स के हमें कुछ ऐसी पैकेजिंग मिलती है जो ब्लू डार्ट के थ्रू आता है। तो अंदर हमें बॉक्स का बिल मिलेगा, साथ ही में जो अपना एयरपोर्ट है उसका बॉक्स मिलेगा। जो सामने हमें आ रहा है कि इसको अगर हम इसको निकालेंगे फिर जो अपना एयरपोर्ट वो आ जाएगा। इसमें जो अपनी स्ट्रिप वाली पैकेजिंग है वही होती है। पहले एप्पल है जो प्लास्टिक में वो करता था, जो थिन वाली लेयर होती थी, अब ये स्ट्रिप से आने लगी जब से आईफोन या 12 या 13 से आने लग गया है। तो इसके बाद जो अपने अंदर है वो कस्टमाइज है, जो अपने एयरपोर्ट वो है, इस पर जो हमने कस्टमाइज नाम लिखवाया है और एक इमोजी है वो प्रिंट करवाई थी। तो यार मुझे पता नहीं था लेकिन ये दो ही दिन में आ गए इतनी जल्दी। तो ऐसा कुछ इसमें नाम है जो अपना लिखा हुआ है। तो एक तो हमें इसमें अपने एयरपोर्ट मिलते हैं, अगर आप कस्टमाइज़ कराओगे तो एनग्रेविंग के साथ अपना नाम और जो भी आप लिखवाना चाहते हो वो मिलेंगे। साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, बाकी जो भी अंदर होता है मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ इनका डिज़ाइन अभी ये चार्ज्ड है, तो इनको यूज़ करेंगे। इनका मैं आपको टेस्ट बताता हूँ अभी कि कैसे यूज़ करने में। बाकी यार देखने में तो काफ़ी सही है। जो अपने एयरपोर्ट प्रो है वो सबसे जो इसका मैक्स वाला है, तो उस जितने थोड़े मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, थोड़ा मीडियम से साइज़ है। अंदर इसमें हमें एक USB टू लाइटिंग पोर्ट वाली केबल मिलती है, USB-C टाइप, तो इसको हम अपने USB-C से चार्ज कर सकते हैं। और अडेप्टर हमें इसमें मिलता नहीं है। तो अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो हमें कुछ ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन मिलने वाला है। इसमें RK लिखा हुआ है, ये हमने RK इसमें लिखवाया, तो साथ में जो इमोजी है ये लिखवाई थी। तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है, आप इसमें कुछ भी लिखवा सकते हो। पीछे हमें यहाँ पे डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना ऐसा कुछ मिलेगा। ये अपना वो कनेक्शन वाला बटन है, तो ऐसा कुछ हमें इसका साइज मिलता है जो एयरपोर्ट प्रो उन जैसे बिल्कुल छोटा सा है ये। और अंदर लेकिन एयरपोर्ट से इनमें ये थोड़े अलग है। तो अगर इनको ओपन कर दे तो यहाँ पे हमें एक जो अपनी लाइट है वो ब्लिंक करने को मिलेगी ग्रीन कलर की। अगर ये रेड हो जाएगी तो रेड या ऑरेंज होती है, मतलब इसमें अभी बैटरी कम है। तो ऐसा कुछ इसका चार्ज ये केस है। और पीछे ना इसमें यार हमें मैगसेफ वाला भी मिलता चार्जिंग का, तो ये भी काफ़ी इसके लिए अच्छी चीज़ है, ये वायरलेसली चार्ज हो सकता है। अगर हम इस बर्ड की बात करें ना तो ऐसा कुछ हमें इसका डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिलता है इसका, बाकी यहाँ पे मिलते हैं और पीछे में यहाँ पे मिलता है। तो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। नीचे में जो इसका चार्जिंग का वो मिलता है, तो काफ़ी ये छोटा सा बना रखा है इन्होंने। मैं आपको इसका यार कंपैरिजन भी बताऊंगा, जो हमारे ये इसके पहले वाले थे ना फर्स्ट सेकंड जनरेशन, उसके साथ भी बताऊंगा आपको कि इसका कैसा कंपैरिजन है। बाकी हमें बिल्कुल छोटा सा ये बर्ड मिलता है, देखने में काफ़ी ही सुंदर लग रहा है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें हमें ब्लूटूथ 5 मिलता है, साथ ही में इसका अभी फ्लिपकार्ट पे जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,900 का, तो करीब करीब ही हमें 18,000 रुपये के मिल जाएंगे। ये वायरलेस है और ये इसकी थर्ड जनरेशन है। पहले वाले में थोड़े से बड़े आते थे, उसकी कंपैरिजन वीडियो की आई बटन पे आपको लिंक आ रही होगा, आप उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। बाकी इसमें मुझे मैं आपको आवाज़ का अगर डिफरेंस बताऊँ ना, तो मुझे दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस फेस हुआ नहीं, इनका मुझे सेम ही लग रहा था। 19-20 का फ़र्क है, वो भी मतलब सेम ही है यार। और वो मेरे को ना थोड़े जो पहनने में है ना वो मुझे ज़्यादा और जो मतलब कह सकते हैं कंफर्टेबल लग रहे थे। इस वाले में यार एक दिक्कत ये है, आप जैसे ही ना कोई सॉन्ग वगैरह नेक्स्ट करोगे या पोज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा टैप करना पड़ता है, थोड़ा सा निकल जाता है। तो बस ये आपको इस चीज़ का थोड़ा सा यार ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो काफ़ी सही है, अभी तो जैसे काफ़ी सही फिट आ गया है, या तो मेरे को अभी आदत नहीं इसलिए लग रहा है। जैसे मैं सर भी हिला रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो साउंड क्वालिटी तो आपको पता है यार एप्पल की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है साउंड क्वालिटी की। तो यार इसमें ना ही बात करें तो अच्छा है, साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है, कुछ भी आप इसमें कस्टमाइज करवा सकते हो। बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। और हाँ, ये वाले जो IPX4 है, क्योंकि वाटर स्वेट रेजिस्टेंट है, तो आप अगर इसको पहन के वर्कआउट भी करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉन्ग्स वगैरह आराम से इंजॉय कर सकते हो, अपना वर्कआउट कर सकते हो, ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी सही रहेंगे। और इसमें हमें यार काफ़ी सही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छा, इसमें जो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है स्पार्शियल ऑडियो का, तो उससे आप इसको कुछ में दो ऑप्शन आते हैं, फिक्स ट्रैक्ड का और एक और आता है, तो उससे आप इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बदल सकते हो और अच्छी तरह आप इसमें सॉन्ग्स इंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर आपका इतना बजट है तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर सकते हो ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो एयरपोर्ट्स प्रो है ना वो भी कभी कभी इस प्राइस में मिल जाते हैं 18-19 या 19-20 के, तो आप वो भी ले सकते हो।
क्योंकि वो एक इसका अपर वर्जन आ जाता है और वो तो यार अलग ही चीज़ है, सब कहते हैं वो तो अलग ही चीज़ है। तो मैंने उसको पर्सनली ज़्यादा सुन के नहीं देखा, लेकिन वो सही में काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू विल लाइक इट।